बहुत ही खूबसूरत नजारा है। चलो दोस्तों, मैं हूँ राम विश्वास, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल राम स्नैक लवर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से यूके से यूपी में आया हूँ, और यहाँ पे एक सांपों का सूचना मिला है जो भाई ने मुझे कॉल किया था। भाई एक बार नाम और एड्रेस बता दो यहाँ से। गोकुल नगर सुरस फार्म, यानी कि ये यूपी पड़ता है और हम यूके में रहते हैं। वहाँ से लमसम कितने किलोमीटर होगा? 35 किलोमीटर दूर। तो फाइनली चलते हैं। सुना है कि सांप दराज के अंदर घुसा है, तो सांप एक ऐसा प्राणी जो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं तक भी वो पहुंच सकता है। कभी पेड़ पर भी रहता है तो कभी छत के ऊपर भी मिल जाता है। इनकी कहानी कुछ अलग है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे तक बने रहे, चलते हैं, निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। কাট করা লাগবে না এটা সামান ভাই ধীরে ধীরে শুনো তো দোস্তো ফাইনালি এই জগা কো দেখা যা কি ইসমে চড়তে হুই না 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 হে রে আমরা পাপ হাই তো সব লাইট মেরে না হে ও ফুর্তি আছে বড় দোস্তো আমরা ভাই আয়ে নে গরম না গরমে তো হাই হয় তো গন্ডি দিলি अरे तू अरे तू इस पर था वीडियो बना से इधर उनते निश्चित में आपने देख के रखा है वो शोर बढ़ दिया है कि वाक नहीं ना कि ना टाइम बड़े खुले ना मने आया खुले ना मने आवाज तो लगती से है यार हो ये अंगता जात कुन दिवा तो खोल पे तो जरूर है अच्छी बात है खुले ही तो बस रही जाए तले दिए हाय तो दोस्तों देख सकते हैं आप कैसे जगह पे वो बैठा हुआ था दादा। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे है ना, बहुत ही खतरनाक। खतरनाक रोहित से तुम्हारे अरे जा बोरोली वीडियो अरे मैंने सब भरा दो रही सही 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 मुझे बुरे दस्तक रोहित से सुन मुझ खड़ा रोहित से की पहुंच ये तो डेर है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी आक्रामक रूप। तो दोस्तों इसी को नाग, इसी को पिटार, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वो लिपटा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये चूहा ने काटा है। और वैसे जगह पर सांपों को हमेशा वो सांप आया करते हैं,
और ऐसे जगह रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो बहुत ही खूबसूरत नजारा ऑप्टिकल कोबरा, चलो चलो आए बेटे। फाइनली हमारा रेस्क्यू सक्सेसफुल हो चुका है, फाइनली हमारा रेस्क्यू सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं वेरी वीक साइज इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये अपने काटने के आक्रमक रूप पे है। देखिए तो दोस्तों, जब भी इसके साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ होता है तभी ये सांप बाइट करता है, अर्थात ये सांप जल्दी बाइट करता ही नहीं। देख सकते हैं आप, तो अब इसके आक्रमक रूप दिखाते हैं कैसा होता है सांप का। खाइए दोस्तों, सांप उसी टाइम इंसान के घर में घुसता है। अकबर द्वारा चुप करो। तो दोस्तों, सांप उसी टाइम इंसान के घर में घुसता है, किस टाइम? जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है। तो उसकी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इनको जो ब्लेड होता है वो गर्मी के बाहर जैसा टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से ब्लेड गर्म हो जाता है, और जब इसकी बॉडी टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है और इनकी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। और जब इनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो इनकी भूख बढ़ जाता है, जब इनकी भूख बढ़ जाता है तो भूख को ढूंढते ढूंढते इंसान के घर क्या वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। वैसे घर में किसी को मारने के लिए वो आता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के तलाश में ही वो जाते रहते हैं। देखिए, और जब भी इसके पूछ पर इस प्रकार से पैर पड़ता है उसी टाइम वो वाइट करता है, अर्थात ये वाइट नहीं करता है। देख सकते हैं इनकी साइज भी, और ये यूपी का सांप है और इसको हम यूपी में ही रिलीज करेंगे। जाते टाइम बहुत सारे जगह मिलता है नदी किनारे, क्योंकि जंगल में इस टाइम पानी बहुत भर चुका है जिसके कारण वहां जाने में भी हम जा नहीं सकते। दादा कौनसा देखा किसी लोग पहले एक घंटा पहले पहले के फ्रिज में घुसा था, पहले फ्रिज में घुसा था, उसके बाद वहाँ से निकल के वो उसके अंदर को तो लगा फ्रिज में। उस दिन भी ऐसा ही साफ था ना, यहाँ से जो ले गया था इतना ही बड़ा ऐसा ही वैसे एक्जन कोई से ना बदली। तो दोस्तों, इसका जो जहर होता है वो निरोडोक्सिन वेनम होता है, जो कि एक बूंद 18 से 20 आदमी को मारने में सक्षम होता है। और हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ कि अगर कभी स्नेक बाइट हुआ तो तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं जाइएगा वरना मारा जाइएगा, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय है सिर्फ एंटीवेनम, सुपर एंटीवेनम, जो कि एंटीवेनम का डोज जब दिया जाएगा तभी आप बच पाएंगे वरना नहीं बच पाएंगे। ये काटने के कितने दिन, मतलब कितने घंटे रह सकता है दादा? ये काटने के बाद ना डेढ़ दो घंटा तो मिलता नहीं है, एक डेढ़ घंटा दिया जाए तो तब तक हॉस्पिटल जाना है, तब तक जाना है हॉस्पिटल डेढ़ से दो घंटे ना ना खुशा बोतला नहीं आलो। काटने के बाद क्या उपाय किया जा सकता है? थोड़ा काटने के बाद ना एक खाली बांधा ही जा सकता है बस, ये काटने का कोई उपाय नहीं। ये काटने के बाद बांधना कैसा? टाइट नहीं बांधना है, ऐसे स्प्रिंग की तरह घुमा घुमा के बांधना है। अच्छा अच्छा, मतलब हल्का सा यहाँ पे बांध लिया फिर ऐसे घुमा के यहाँ तक बांधना है। यहाँ तक बांधने से पता है क्या होता है, जब ये ब्लेड से हमारा जो सीधा ऐसा चढ़ेगा ना जो है, तो यहाँ से रिंग टाइप के घूमते घूमते चढ़ेगा, तब तक हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये है टाइम इनका,
सांप अगर काटे तो इस तरीके से अगर बांधोगे तो ही बच पाओगे। अगर सही समय पड़ जाए तो सही है, नहीं तो सीधा परमात्मा से। मुझे वो जूते वाले को वहाँ पे भी तो आया था, उसके पिताजी को काटा था, वो सांप तो मिला ही नहीं। जूते वाला तो दोस्तों फाइनली करते हैं इसको पैक, बहुत टाइम हो गया है। दोस्तों अगर करीब से दिखा दो इनको, दोस्तों इसी को नाग, इसी को पिटर, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, और बांग्ला में केवटे, काला केवटे, काल केवटे, काल केवटे, केवटे, खोई केवटे, कई सारे नाम है इसका। जितना दुनिया में इंसान है हर चीज को उतना ही नाम है। इसको आज हम करेंगे बैग में पैक। डार्क काला ही के लिए नीले दिया। दोस्तों फाइनली सुरक्षा पैक कर चुका हूँ और इसको लेके जाएंगे अभी फॉरेस्ट में और इसको कर देंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से सांपों को हम हैंडलिंग करते हैं, उसको रेस्क्यू एंड रिलीज करते हैं, आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो हादसा हो सकता है। दोस्तों जिस सांपों को हमने रेस्क्यू किया यूपी से, उसको यहीं पे रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों आजादी का पल भी कुछ ऐसा होता है कि जीवों का आजादी का पल होता है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, रिलीज करने में हमें भी बहुत मजा आता है। तो दोस्तों हमारे रेस्क्यू रिलीज वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।